अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में आना मना है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है। उलमा फरमाते हैं कि प्याज खाने से उसकी स्मेल और बदबू से फरिश्तों को तकलीफ़ होती है, तो इसीलिए नमाज से पहले तकरीबन आप सुबह नाश्ते में सलाद खाते हैं तो ज़ुहर तक बदबू ख़त्म हो जाती है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि काफ़ी वक्फ़ा होना चाहिए नमाज से पहले, तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, प्याज सलाद। अब इसके साथ मैं ये कह दूँ, इसको मिला दूँ तो बेजा नहीं होगा, बजा होगा। प्याज एक अल्लाह तबारक व ताला की नेमत है, हम सालन में हर जगह इस्तेमाल करते हैं। उसका नमाज के साथ ताल्लुक़ तो है कि नहीं खाना चाहिए, वगरना आम मामूल में मना नहीं है। ये ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो गुटखा, बीड़ी या फिर सिगरेट नोशी, तो इसकी जो स्मेल है वो तो आपको टूथपेस्ट करने के बाद भी 10 मिनट बाद जो है वो बदबू आने लग जाती है, तो उसका क्या होगा। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक की हलाल करदा चीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वाली वसल्लम ने मना फरमा दिया कि नमाज के वक्त प्याज नहीं खाने चाहिए, लहसुन और प्याज, क्योंकि इनकी स्मेल से फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।